गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिदा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कल जन्माष्टमी थी, तो आप सब ने भी जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाया। तो आज हम लोग, मतलब शाम का ये टाइम हो रहा है और शाम का ना अप्रॉक्सीमेट 11 बजे का टाइम है। तो हम लोग ना भगवान जी को मतलब नहला धुला के उनका रुद्राभिषेक वगैरह सब करके और सुंदर सा उन्हें बना के उनका पूरा श्रृंगार करके उनको मतलब पालने में मतलब बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही हम लोग आरती करेंगे। जब भगवान का जन्म हो जाएगा ना 12 बजे के बाद, तब हम आरती करेंगे। उससे पहले जो जो चीज़ें थी ना, वो मैंने कहा कि भाई रुद्राभिषेक करने में टाइम भी लगता है, तो वो सब हम कर लेते हैं। और आप जानते हो ना, बच्चे अभी जग भी रहे हैं, तो ये हुआ कि हाँ किसी तरह हम लोग उनको मतलब ना जगाए रहें कि हाँ आज फटाफट से हम लोग व्रत कर लें। और व्रत है, मेरा भी है और मिस इंडिया का भी, हम दोनों का फास्ट है। तो अभी तक हमने मतलब जो फास्ट का खाना होता है नहीं खाया, क्योंकि हम पहले भगवान को मतलब जन्म हो जाए उनका, फिर उनकी आरती पूजा पाठ कर लें, उसी के बाद अपना मतलब पारण करेंगे, व्रत मतलब पूरा होगा। और बस अभी हम उनको रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो रुद्राभिषेक में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान सबको सब कुछ देते हैं। और वो कभी भी ये नहीं कहते कि मतलब आपके पास कुछ नहीं है तो आप मन अपना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मिस्टर इंडिया कुछ मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी वो सुना देती हूँ। और बहुत अच्छे मंत्र होते हैं और भगवान के मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए ना भगवान का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो यहाँ कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, आप देखो हम दोनों लोग बैठ के कर रहे हैं। उनके उनको हमने दही है और गंगा जल है, चरणामृत भी आप बना सकते हैं, वो भी होना चाहिए। और साथ में जैसे गुड़ होता है ना, मीठा रस, उसका पानी भी होना चाहिए। तो ये सारे जो जल होते हैं ना, वो भगवान को नहलाने में, रुद्राभिषेक करने में बहुत सही रहते हैं। और आपको जैसा मन हो, हल्दी का पानी, चंदन घोल लीजिए, तो उनको जिस भी प्रकार से आपको मतलब करना है, ठीक है, ताकि भगवान आपसे प्रसन्न हो। अनंतम नीति मनाकाशम परमाकाशम गोष्ठी प्रांगणी रिंखल लोल मनायासम परमायासम माया कल्पित नानाकार मनाकारम भुनाकारम क्षमानाथ मनाथम प्रणमत गोविंदम परमानंदम मृत इस नाम सीहेति यशोदा ताड़न से सब संत्रासम व्यादितिवतालोकित लोका लोक चतुर्दश लोकालिम लोकत्रयपुरमूली स्तंभम लोकालोके मनालोकम लोकेशम परमेशम प्रणमत गोविंदम परमानंदम मृत इस नाम सीहेति यशोदा ताड़न से सब संत्रासम व्यादितिवतालोकित लोका लोके चतुर्दश लोकालिम लोकत्रयपुरमूलिस्तंभम लोकालोके मनालोकम लोकेशम परमेशम प्रणमत गोविंदम परमानंदम रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कृष्ण जी का श्रृंगार। और कृष्णा जी को ना, कृष्ण जी को कभी भी ना इस तरह मतलब उस तरह से नहीं रखना चाहिए, कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इनको लंगोट भी पहनाने वाली हूँ। तो पहले मैंने ड्रेस मतलब मिस्टर इंडिया पहना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो लुमाओ, मैं इनको तैयार करता हूँ। मैंने कहा चलिए करिए। तो
तो बस अभी इनको लंगोट डालेंगे और ये इनकी ड्रेस है। तो उन्होंने ना ड्रेस पहले डाल दी और लंगोट अब मैं बाद में डलवाऊंगी। तो ऐसा हो जाता है कि ना जैसे कि जो लेडीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होता है बच्चों को कपड़े पहनाने का, जेंट्स को थोड़ा कम होता है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो बस अभी आप ये चीज़ माइंड मत करिएगा। तो क्या होता है, अब आप देख रहे हो कितने प्यारे से कान्हा जी लग रहे हैं। तो जी हाँ, हमने लंगोट पहना दिया, तो वो मैंने कैप्चर नहीं किया था। तो अब यहाँ देख रहे हो इतने सुंदर लग रहे हैं ना भगवान जी। तो इनको तैयार कर रहे हैं और इनको तैयार करने पे ना बस एक ही मुझे भजन याद आ रहा है, लगे दूल्हा सा तू श्याम सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और सच में ना कन्हैया इतने प्यारे लग रहे हैं कि आप भी कहोगे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और पता है अच्छा भी होता है कि ना आज के दिन इनको मतलब हम न्यू कपड़े पहनाते हैं, न्यू ड्रेस हो, हर चीज़ उनका न्यू हो। तो यहाँ देखिए इनकी राखी थी, तो मैंने इनकी राखी वहीं पर रखवा दी। मैंने कहा ये उन्हीं की राखी है, उन्हीं के पास रहने दीजिए। तो बस मिस्टर इंडिया ने इनको फटाफट से सुंदर से तैयार कर दिया। अब इनकी बारी आ रही मुकुट की, तो मुकुट हम सोच रहे हैं दूसरा चेंज करके लगा देते हैं, क्योंकि ना ये वाला है थोड़ा सा वाइटनेस में है, तो ये वाला मुकुट ना लगा के हम दूसरा लगाएंगे, न्यू मुकुट। दोनों न्यू है, लेकिन ये है कि मुझे ये कम जच रहा है, तो मैंने कहा वो वाला ब्लू वाला लगाते हैं, तो वो बहुत सुंदर लगने वाला है। तो बस अब यहाँ हमारे कान्हा जी तैयार हो गए थे, लेकिन मिस्टर इंडिया कह रहे हैं कि मतलब इनको इसी में बैठा दें। तो मैं कह रही हूँ नहीं, आज के दिन तो ये पालना में झूला झूलते हैं। तो वो बस वो कह रहे कि नहीं, ऐसे भी तो ठीक लग रहा है। मैंने कह रही नहीं नहीं आज पालने में ही बैठाएंगे। तो फिलहाल तो अभी उन्होंने देखो ये वाली पगड़ी, ये वाला मुकुट उनका लगा दिया, लेकिन अभी चेंज कर दिया जाएगा। उनकी बांसुरी भी उनके पास रख दे रहे हैं। इतने सुंदर लगते हैं ना भगवान। और सच में जब कोई त्यौहार आता है ना, तो लगता है कितना सजा दो उन्हें, कोई भी कमी ना होने पाए उनके पास। पालने में बैठा दो ना, पालने में बैठाना होता है आज तो पालना। तो यहाँ पर देखिए हमने उनका पालना निकाल लिया है। और ये सारी चीज़ें आप जानते हो कि जब जन्माष्टमी आती है, उनका जन्मदिन आता है, तभी निकलता है। तो यहाँ पर ना हम लोग थोड़ा सा उसको नेचुरल लुक के अकॉर्डिंग मतलब डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। अब ज़रूरी थोड़ी जैसा हम चाहे वैसा ही। और यहाँ देख रहे हो उनके मोर पंखी कितनी मतलब ऐसे ऐसे ना उड़ रही है हवा में, इतने अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और सच में जिस दिन फास्ट ना और भगवान का जैसे जन्माष्टमी तो हमेशा सभी लोग रखते हैं, और कुछ लोग नहीं रखते। कुछ लोग जिनके यहाँ हर छठ होती है ना, वो लोग जन्माष्टमी नहीं रखते हैं। मुझे मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, पता चलता है, जैसे हमारे नेबर्स वगैरह हैं ना, तो वो लोगों को यहाँ कहते हैं कि अगर हम हर छठ का व्रत रखते हैं तो जन्माष्टमी नहीं रखते हैं। और यहाँ देखिए वाइट वाले फूल वगैरह हैं। तो ये आज सच बताऊँ, आज मैंने अपने कान्हा जी के लिए बाहर ना बगीचे में लगे थे हमारे नेबर्स के, तो वहीं से तोड़ कर लेकर आई हूँ मैं। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं, पालना में बैठ गए हैं, और जस्ट अभी अभी उनका जन्म हो गया। जैसे हमने पालना में बिठाया ना भगवान जी को, तो 12 बज चुके हैं। और आप सबको भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो बाल की। यहाँ आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ आरती। और यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों को बुला लिया है कि आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी आरती कर लो। तो तीनों अभी तक जगे हुए हैं और सबकी वन बाय वन हम लोग आरती भगवान जी की। गिरधरी कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंध कांति काली, राधिका चमक रही आली, की कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की, भ्रमर सी अलग
कनक मैं मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजय मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय मनंतम नीति मनाकाशम परिमाकाशम गोष्ठी प्रांगणिरिंखलि लोलि मनायासम परिमायासम माया कल्पित नानाकारि मनाकारम भुवनाकार।